दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आदमपुर की सबसे बड़ी गंदे पानी की ड्रेन की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। इस संबंधी एसडीओ उमेश खन्ना और असिस्टेंट इंजीनियर गुरचरण सिंह ने बताया कि आदमपुर शहर के निवासियों की लंबे समय से ये मांग थी कि इस ड्रेन की सफाई का कार्य किया जाए, क्योंकि इस गंदे पानी के कारण आसपास के क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही थी। उन्होंने कहा कि इस ड्रेन की सफाई में सरकार द्वारा ग्रांट दी गई है, जिसके लिए 7.5 लाख की धनराशि का खर्च आएगा। मैं सब डिविजनल ऑफिसर जलंधर जल निकास मंडल जलंधर तो हाँ तारागढ़ चो है जरा कि मतलब अपने आदमपुर शहर के बच्चे जो कुछ 8.5 फुट की लंबाई पैंती है, इसकी अज तक की सफाई नहीं हुई कभी पहले कभी भी, तो यदि सफाई की बहुत लड़ सी। हल्के MLA साहब बड़ा जोर पा रहे थे, उन्होंने फिर CM साहब गल करके ना जलंधर DC साहब की ड्यूटी साढ़े ड्रेन डिपार्टमेंट हायर अफसर ड्यूटी मौका देख के प्लैनिंग करने लिए ड्रेन दफ्तर के ऑफिसर तो DC साहब ने 14-10 मौके का दौरा किया गया टीनू साहब के नाल। फिर उसकी प्लैनिंग करके असी एस्टीमेट बना के प्रपोजल पास कराई, तो डिटेल एस्टीमेट असी बना के पास करा लिया। तो असी हुशियारपुर रोड तो हुशियारपुर आदमपुर रोड तो पुल तो लैके तो अपने मतलब अपने वही काम शुरू करा दिता गया टीनू साहब की हाजरी से।